वार्तालाप की आपका नजरिया आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के कृष्णानगर की एलडीए कॉलोनी में शनिवार रात अरविंद गोयल और उनके बेटे आशीष गोयल के शव घर में मिले हैं। लाशों के पास ही अरविंद की पत्नी रंजना बेसुध मिली। रंजना को पुलिस ने गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक पिता और पुत्र की मृत्यु 3 या 4 दिन पहले हो गई थी। रंजना पति और बेटों के साथ रहती थी। गौरतलब है कि अरविंद की पत्नी रंजना चल नहीं सकती, वो दिव्यांग है और साथ में कोरोना संक्रमित भी हैं। पति और बेटे की मौत का पता लगने के बाद रंजना ने मदद के लिए कई बार आवाज दी, लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं सुन सका। 4 दिन से पिता पुत्र दिखे नहीं थे। पड़ोसियों ने सोचा कि शायद कोरोना संक्रमित है इसलिए अंदर है। रंजना पड़ोसियों को आवाज लगा लगा कर बेसुध हो गयी। पड़ोसियों ने घर से बदबू आने के बाद उनकी सुध ली। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.